वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं या फिर आपने अपने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं पांच ऐसे मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना? एग्जैक्टली, अब आप जान गए होंगे क्यों नहीं करना है आपको ये पांच मिस्टेक। सो फ्रेंड, आइए जान लेते हैं कि वो पांच मिस्टेक कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, मिस्टेक नंबर वन जो हम करते हैं वो है कि पहले हमें दो यूट्यूब चैनल बनाना होगा। क्योंकि दो यूट्यूब चैनल इसलिए बनाना होगा, शुरुआत के दिनों में आपको जो कम से कम 10 से 15 वीडियो जो आपको उस चैनल पे चैनल नंबर वन पे डालना होगा। रीजन क्यों है कि आपको एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूँ, अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं अगर वो शुरू में ही खराब निकल जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगली बार आप वो वाला मोबाइल खरीदेंगे या उस कंपनी का मोबाइल लेना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। सेम ऐसा ही यूट्यूब चैनल पर भी होता है, यूट्यूब पर होता है। अगर आपकी पहली बार कोई वीडियो विजिट करता है, देखता है पहला वीडियो और दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो देखने के बाद उसको लग जाता है कि आपके चैनल पे उतनी क्वालिटी नहीं है, दम नहीं है, या फिर आप जो चीज बता रहे हैं वो चीज अच्छे से नहीं समझा पाते, सभी के साथ होता है। पहले नए YouTube चैनल जब बनाते हैं तो पहली बार में अच्छे से उसे समझा नहीं पाते, इसलिए आपको दो YouTube चैनल बनाना है। पहले वाले चैनल पे आपको फर्स्ट के शुरू के 10 से 15 वीडियोज को अपलोड करना है। जब आपको ये लगने लगे कि अब हम कैमरे को फेस कर पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, तभी आपको अपने चैनल नंबर वन पर बनाना है। लेकिन एक प्रो टिप देना चाहूंगा मैं उसको लास्ट में, कि आपको पहले वाले चैनल को कब तक चला के रखना होगा। मिस्टेक नंबर टू, फ्रेंड्स, हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि गूगल के क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है और क्या क्या कॉपीराइट स्ट्राइक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी वीडियो जो उठा के कोई भी क्लिप लगा सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज पर, या फिर कोई भी फोटोज गूगल इमेज पर सर्च करके या फिर कहीं से भी कोई फोटो को अपने वीडियोज पर नहीं लगा सकते। इसलिए इस बात के लिए आपको अच्छे से जान लेना होगा कि यूट्यूब की क्या क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है और क्या क्या कॉपीराइट स्ट्राइक्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका यूट्यूब चैनल, मान लीजिए आपने शुरू के जो 10 वीडियो अपलोड किए वो तो कहीं वायरल हो गए, चल गए, तो बाद में क्या होगा कि आपको या तो उस वक्त आप कम्युनिटी गाइडलाइन को तोड़ चुके होंगे या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आ चुका होगा। ऐसे में आपका चैनल की ग्रोथ रुक जाएगी या फिर आपका चैनल भी बंद हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि यूट्यूब पे हम कौन सी इमेज को लगा सकते हैं, कहां से वो इमेज हमें मिलेगी और कौन कौन से हम वीडियोज को उस पर लगा सकते हैं। मिस्टेक नंबर थ्री, फ्रेंड्स, कि आप अपने YouTube चैनल का नाम सही से नहीं चुनते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जब आपको अपना YouTube चैनल का नाम चुनना होता है तो आप डायरेक्ट YouTube पर देखते हैं, कई लोग अपना चैनल का नाम जिस तरह रखे हुए हैं वैसे ही आप रख देते हैं। जैसे टेक्निकल करके आप अगर भी सर्च करेंगे देखिए कितने सारे YouTube चैनल आ जाएंगे, या फिर कोई और भी नाम आप सर्च करेंगे तो कई ऐसे चैनल के नाम हो जाएंगे। ऐसे में होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप अपना YouTube चैनल बना लेते हैं, आपका चैनल बहुत ही छोटा होता है, शुरुआत की स्टेज में होता है, तो जब आप YouTube में उसको सर्च करते हैं तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जब भी आप अपना YouTube चैनल बनाइएगा तो वहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिक मींस कि अलग होना चाहिए। ऐसा चैनल का नाम होना चाहिए जो अभी तक YouTube पर नहीं बना हुआ है। इसके लिए आपको YouTube पर बार बार उस अपने चैनल के नाम को सोचना होगा और सर्च करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल से शुरू कर दिया तो आपका चैनल तो आएगा ही नहीं, टेक्निकल के नाम से बाद अपना नाम लगा देते तो इसके बाद देखिएगा YouTube पर कई टेक्निकल से YouTube वीडियो जो आ जाती हैं, चैनल आ जाते हैं जिस पर आपका चैनल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि YouTube चैनल का जब भी आप नाम चुने तो ऐसा नाम चुनना है जो अभी तक YouTube पर ना हो। फ्रेंड्स, मिस्टेक नंबर फोर, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना आप चैनल किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कई YouTube पर वीडियो देख लिया और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने लगे, या ऐसा नहीं है कि आप अमित बाड़ाना के वीडियो, बीबी के वाइन वीडियो या टेक्निकल गुरुजी के वीडियो देख लिया और आप अपना चैनल बनाने की सोचने लगे। आपको ये देखना है एग्जैक्ट कि आपको क्या आता है, आपके क्या अच्छे से समझा सकते हैं, या फिर आप अगर आज के समय पर YouTube चैनल पर आना चाह रहे हैं तो आप अपने पहले कंपटीशन को देख लीजिए, क्या आप उनसे अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आपके पास उनसे अच्छे नॉलेज है कि नहीं है। अगर है तभी आप अपने YouTube चैनल पे आइएगा। और मैं स्पेशली अगर आपको बताऊं तो आप टेक की फील्ड में ना आइएगा और कॉमेडी की फील्ड में नहीं आइएगा, क्योंकि अब टेक और कॉमेडी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है। यहां पर काफी ज्यादा वीडियोज आने लगे हैं जिसमें आपको ग्रो करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मिस्टेक नंबर फाइव, फ्रेंड्स, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं या फिर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कम से कम बेसिक SEO के बारे में पता होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे यूज होता है। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बेसिक कम से कम फोटोशॉप और क्या कहते हैं वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक SEO और बेसिक
फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो आप अभी यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोज अपलोड ना करिए, पहले उनके बेसिक नॉलेज को गेन कर लीजिए। सो फ्रेंड, ये 5 मिस्टेक है जिन्हें आपको अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं करने हैं। मैंने तो किए हुए थे, जिसका रिजल्ट अभी मुझको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और धीरे धीरे मैं उस पर सुधार कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये गलतियों को ना करें। सो फ्रेंड, एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपने, जैसे मैंने बताया हुआ था कि आप 10 से 15 वीडियो चैनल नंबर 1 पे अपलोड करिएगा जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो यहां पर आपको देखना होगा फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चल जाती है, करीब 10,000 व्यू आ जाते हैं, तो आपको उस चैनल को प्राइमरी चैनल बना लेना होगा और फिर वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना होगा। वहां पर आपको अच्छा कॉन्टेंट देना होगा क्योंकि आपके पास वहां पर व्यूअर्स हो चुके होंगे, आपका चैनल थोड़ा ग्रोथ कर चुका होगा। इसलिए अगर आपका चैनल पर कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है तो वहां पर फिर आपको उसी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाने होंगे जिससे आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो पाएगा। आपको दूसरे नंबर वाले चैनल पर फिर आपको सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे। सो फ्रेंड, अब आप जान गए होंगे कि हमें अपने YouTube चैनल ये बनाने से पहले क्या क्या चैनल पर गलती नहीं करनी है और किन किन पॉइंटों को हमको जान लेना होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए।